नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान का बलूचिस्तान खूबियों से भरा है। यहाँ पर सुंदरता है, झरने हैं, पहाड़ हैं और खनिज लवण भी है। इसके साथ ही साथ जुल्म की इंतहा भी। जुल्म की इंतहा इसलिए कि पाक सेना जबरदस्ती बलूचियों का खून बहाती, क्योंकि बलोच अपने विकास के लिए मांग करते हैं लेकिन पाकिस्तान देता नहीं, और इसी के लिए टकराव होता है और खून की नदी बहती। लेकिन इस बार बलूचिस्तान के खजाने की बात करेंगे, जिसकी वजह से बलूचिस्तान चर्चा में। खबरों की माने तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 26 किलो वजनी मछली काफी पैसों में बिकी। क्रोकर प्रजाति की ये मछली 7,80,000 रुपए में बिकी। ग्वादर जिले में पकड़ी गई ये मछली कई और खूबियों के कारण काफी महंगी बिकी। कुछ सालों पहले एक और क्रोकर मछली लगभग 17 लाख रुपए में बिकी थी। आज हम इस मछली के महंगे बिकने के कारणों की जानकारी देंगे, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल क्रोकर मछली अपने औषधीय गुणों के कारण महंगी होती। वैसे तो बहुत सी मछलियां कई तरह के प्रोटीन और दूसरे गुणों से भरपूर होती, लेकिन क्रोकर मछली की बात ही कुछ और। इसके शरीर में पाए जाने वाले एयर ब्लैडर का सर्जरी में इस्तेमाल होता है। इससे टांके बनाए जाते हैं जो सर्जरी के बाद काम आते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये इंसानी शरीर में आसानी से घुल जाते हैं और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देते। खासकर हार्ट सर्जरी जैसे मुश्किल काम में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता रहा। जानकारों की माने तो इसके अलावा मछली में कई तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन और माइक्रो एलिमेंट्स। इसके साथ ही साथ इस मछली के मांस का उपयोग एमनीशिया, अनिद्रा, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याओं में होता है। साथ ही डिलीवरी के बाद प्रसूता को इसका मांस देने से काफी जल्दी रिकवरी होती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन NCBI की एक रिसर्च बताती है कि लार्ज येलो क्रोकर मछली मेडिसिन की दुनिया में काफी पूछ परख रखती। रिसर्च के अनुसार ये शरीर में अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण रोककर कैंसर से बचाने वाली साबित हो चुकी। इससे शरीर में लगी चोट और संक्रमण का इलाज भी हो पाता। जीव विज्ञानियों की माने तो आमतौर पर इस मछली की भारी मांग है, जो चीन और दक्षिणी पीला सागर में मिलती, लेकिन इन्हें पकड़ना उतना ही मुश्किल। इसके साथ ही साथ ये मछली अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान ऊपर की ओर आती, जो केवल 2 महीने का ही होता है। मतलब ये कि 12 में से 2 ही महीने इनके पकड़े जाने की संभावना रहती। ऐसे में मछुआरों को इनकी ताक में रहना होता है। जानकारी देते चले कि चीन में 70 के दशक में लगभग 2 लाख टन क्रोकर मछली पकड़ी गई और चीन समेत दूसरे देशों में बेची गई। इसके बाद से इसकी संख्या तेजी से घटती चली गई। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इसे विलुप्त हो रही मछलियों की श्रेणी में रेड डाल दिया है। मछलियों की संख्या कम होने के कारण इससे मेडिसिन तैयार करने वाले देश जैसे चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग परेशान हो उठे। ये देश अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ज्यादा मछलियों का पालन हो सके। ब्रिटेन की एक्वाफीड नामक वेबसाइट के मुताबिक दक्षिण कोरिया और ताइवान ने इसकी ब्रीडिंग पर शोध भी किए, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों क्रोकर मछली महंगी है और क्यों ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी और क्यों इसकी भारी मांग है।